नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है जहां विधायकों और सांसदों की बैठक जो है वो संपन्न हो गई है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। डिप्टी सीएम समेत जेजेपी विधायक भी इस बैठक में शामिल रहे और द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बैठक में शिरकत की थी और एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चर्चा की गई, जो बैठक चल रही थी, काफी देर से बैठक चल रही थी। इस बैठक में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को लेकर के बातचीत की जा रही थी और सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जो बैठक अब खत्म हो चुकी है तो द्रौपदी मुर्मू खुद इस बैठक में शामिल थी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक से पहले की तस्वीरें हैं जब बैठक में तमाम नेता, जेजेपी के नेता, बीजेपी के सभी विधायक, सांसद, सभी लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और द्रौपदी मुर्मू भी इस बैठक में शामिल थी। सीएम मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां अकाली दल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है अकाली दल ने और एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है और बीजेपी के साथ मतभेद जरूर है, लेकिन मुर्मू को हमारा समर्थन रहेगा। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने पहले बातचीत की थी सुखबीर सिंह बादल से और उसके बाद अब अकाली दल का ये बड़ा, अकाली दल की तरफ से सुखबीर सिंह बादल का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के साथ मतभेद जरूर है लेकिन मुर्मू को हम समर्थन देंगे और कांग्रेस के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए जेपी नड्डा ने अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल से बातचीत की थी और इसके बाद अब सुखबीर सिंह बादल का बयान सामने आया है। सुखबीर सिंह बादल ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए हम द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देंगे। असी बहुत मतभेद साढ़े बीजेपी नाल है, वह मतभेद नूं असी साइड ते रखदे होए क्योंकि आ इशू एक मनोरिटी का, एक गरीब घर की औरत, एक देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनदा उन्हें मौका मिल रहा है। सारिया चीज़ा देखते हुए अपने पोलिटिकल डिफरेंस नूं साइड ते रखते हुए असी सोचा कि असी सही राह चुनीए। सही राह इको एक है, एक तो असी कांग्रेस के राह च जा नहीं सकते, दूजी गल श्रोमणी अकाली दल का इतिहास भी आई कहता है कि गरीब नाल, मनोरिटी नाल, वीकर सैक्शन नाल असी सदा उन्हां दी लड़ाई लड़ी है ते उन्हां दे हक च खड़े हैं। सो सारा कुछ नूं देखते हुए पार्टी ने 3 घंटे विचार किए ते विचार करन दे बाद फिर असी फैसला किया कि असी यूनैनिमसली फैसला किया कि असी द्रौपदी मुर्मू जी नूं असी सपोर्ट करांगे। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में HSIDC की अधिकारियों के साथ में बैठक की, इसकी अध्यक्षता उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंबाला में आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को स्थापित करने से साइंस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को स्थापित करने के लिए प्रशासन के अधिकारियों की ओर से कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों ने गृह मंत्री को अवगत कराया कि लघु और कुटीर उद्योग को संचालित करने वाले उद्यमियों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाए ताकि उद्यमियों को उनके उद्यमों को चलाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और एक ही स्थान पर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके अलावा लघु और कुटीर उद्योगों में बनने वाले सामान प्रदर्शनी के लिए एक स्थान को चिन्हित कर निर्धारित किया जाए। तो गृह मंत्री अनिल विज ने इस बैठक की अध्यक्षता की और साइंस इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देने के मकसद से यह बैठक की गई
और HSI IDC के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अनिल विज ने की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और साइंस इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। चंडीगढ़ में यह बैठक हुई। वहीं रोहतक में भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानी से भरे गलियों का जायजा लिया और लोगों की व्यथा सुनी। भारी बारिश के कारण एक ही दिन में गलियों और घरों में 2 से 3 फुट तक पानी भर गए हैं, जिससे लोग अब समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। जिसे देखकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च शहर में करने के बाद भी शहर से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारी बारिश से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए खुद पानी में उतरे और अपने इलाकों का दौरा किया। कॉलोनी में पानी भरने से दुखी लोगों ने कहा कि वह हर साल इसी तरह समस्या का सामना करते हैं, ना कभी उनको उनकी भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने सुनी और ना ही वर्तमान सरकार उनकी सुन रही है। जो हालात बने हैं वो बारिश आई है, पानी पड़ा है, लेकिन जो आज हालात हुए हैं प्रशासन की लापरवाही से और जो जिस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए लोगों को वैसी मदद नहीं मिल रही। अब लोग सब सामान खराब हो गया, इनका कंपनसेशन देना चाहिए और वार फुटिंग पे इनकी मदद करनी चाहिए, आना चाहिए बाहर। अब एक लगा रखा है, ये इतना पानी भरा है, यहाँ तो कम से कम 10 पंप लगने चाहिए थे ताकि जल्दी से जल्दी इनकी खाली हो पीछे। और ये बूस्टर जो कि बूस्टर वाला चला ही नहीं रहा, तो इस वजह से कि मेरे 55 लाख रुपए पेमेंट नहीं मिली। इतनी भ्रष्ट सरकार, सिर्फ भ्रष्टाचार। अमृत योजना में सैकड़ों करोड़ आए, अगर वो सही प्रयोग होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हरियाणा के लोगों को। पानी भर गया सारा रात, कल सवेरे एक बार भरिया कटिया सफाई की, फिर दूसरी, फिर इतना बेडा पानी, सारा समान जो कुछ है सब सत्यानाश हो गया। सब परेशान तो होंगे, क्या करें जी, परेशान तो हो ही गए। महावीर कॉलोनी रहने वाले भाई, ठीक है, पहचान सतीश शर्मा, महावीर कॉलोनी सतीश शर्मा, पहचान में से देख रहे, पहचान में बाढ़ आई थी यहाँ पे, ठीक है, एक महीने बाद पानी उतरा था। उसके बाद हुड्डा साहब का भी राज आएगा, दो योजना के लगातार रह गए, लेकिन कभी यहाँ सूद ना ली गई। हर साल यही पानी का मार होती है, हर इस मोहल्ले में एक बार से होता ही ग्राम पानी घुसता है, लेकिन कभी कोई सूद ना लेता। तो जल भराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद धरातल पर उतरे और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा, सरकार को भ्रष्ट बताया। वही प्रशासन पर को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आड़े हाथों लिया और जल निकासी की समस्या को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर बरस रहे थे। तो इसके साथ ही साथ लोगों ने यह भी कहा कि ना तो उनकी पिछली सरकार ने बातें सुनी और ना ही वर्तमान सरकार उनकी बातें सुन रही है और उन्हें हर साल हर वर्ष इसी तरह बारिश के दिनों में समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। वहीं गुरुग्राम में शनिवार को नगर पालिका पटौदी और पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। वहीं नगर पालिका पटौदी और पुलिस प्रशासन ने मिलकर पटौदी के नोटा चौक से लेकर गुरुग्राम मार्ग और मेन मार्केट से आज अवैध अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान तमाम दुकानदारों ने सड़क किनारे लगे अवैध तंबू को हटाया। वहीं जिन लोगों ने इसका विरोध किया उसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। बता दें कि पटौदी बाजार में दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। इतना ही नहीं, रोड किनारे लगे बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे भी अवैध दुकान लगाई गई थी। लंबे समय से पटौदी नगर पालिका क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण एक गंभीर समस्या थी। स्कूली छात्र और राहगीरों को इसकी वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया और जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था
उनके अतिक्रमण को ट्रैक्टर पर लाद करके प्रशासन अपने साथ ले गया। तो ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, शनिवार को भी ये कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की ओर से, और आज शुक्रवार को भी प्रशासन ने बाजार में इस अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान कुछ लोग प्रशासन से लड़ते भिड़ते भी नजर आए, खिलाफत करते नजर आए अतिक्रमण को लेकर के, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध अतिक्रमण को नहीं रहने दिया जाएगा। हम तो कह कह के इनको दुखी हो चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं, ये मानते नहीं। ट्रांसफार्मर के नीचे आपने देखा होगा कोई भी हादसा हो सकता है, इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हमने कर ली, सारी तरीके से कर लिया, लेकिन कोई तरीका नहीं है सेवाएं के उनको उठाने के। आप हम आपसे भी अपील करते हैं कि इनको समझाओ, ताकि हमें दुखी भी ना होना पड़े, पब्लिक को भी दुखी ना होना पड़े। वहीं झज्जर महीने में गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद शुक्रवार यानी कि आज से दोबारा स्कूलों की कक्षाएं लगनी शुरू हो गई, जिसमें अभी फिलहाल 40% बच्चे ही स्कूल पहुंचे। वहीं स्कूल का समय अब दोबारा से सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कर दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी के कारण न केवल आम जनता को बल्कि बच्चों को भी गर्मी का शिकार होना पड़ा, लेकिन पिछले दिनों हुई मानसून की पहली बरसात के बाद मौसम कुछ सुहावना हुआ और मानसून की शुरुआत के साथ ही शहर में भी जगह जगह पानी जमा है, जिसकी वजह से बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही मौसम ठीक होगा वैसे ही बच्चे पूरी हाजिरी के साथ स्कूल में पहुंचेंगे। अभी जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है वो स्कूलों का खत्म हुआ है, 30 जून तक छुट्टियां थी, आज 1 जुलाई है, स्कूल खुले हैं और काफ़ी गर्मी रही। उसके बाद कल बरसात हुई, तो बरसात की वजह से काफ़ी तेज़ बरसात थी शहर में भी, अब भी पानी भरा हुआ है कई जगह पे, तो बच्चे कम पहुँचे। सुबह भी मौसम बरसात का था, लगभग ऐसा लग रहा था बारिश आएगी, तो बच्चे 600 बच्चे हैं टोटल स्कूल में, 200 के करीब बच्चे आए हुए हैं। और जून की छुट्टियों में थोड़ा स्कूल का काम करवाया है, मरम्मत करवाई है, सारा ठीक ठाक है। बच्चे 2-4 दिन जैसे ही मौसम साफ होगा तो फुल स्ट्रेंथ से स्कूल लगने शुरू हो जाएंगे। आज की जो स्ट्रेंथ है वो 40% के आसपास है, क्योंकि सुबह बारिश, जब स्कूल टाइम था उसमें बारिश शुरू होगी। हमारे स्कूल से सराउंडिंग से 18-19 गांव से बच्चे आते हैं, तो जो गांव की स्ट्रेंथ है वो आज कम है, लोकल जो शहर से हैं आसपास से वो बच्चे आएंगे। वहीं गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से आज से स्कूल खुल गए हैं। अम्बाला में भी पहले दिन स्कूल में आकर बच्चे और टीचर काफी खुश दिखाई दिए। इसके साथ ही स्कूल में साफ सफाई का काम 2 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया था। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही स्कूल में पढ़ाई करवाई गई। स्कूल प्रशासन ने साफ सफाई और बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए हुए हैं। ऑफलाइन पढ़ाई से बच्चे एक तरफ बेहद खुश दिखाई दिए। पहले दिन बच्चे काफी कम संख्या में स्कूल पहुंचे। स्कूल के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार ने बताया कि पहले दिन बच्चों की संख्या कम रही क्योंकि बरसात की वजह से बच्चे स्कूल में कम पहुंच सके। पहला दिन है, बच्चों की आज संख्या कम ही आई है, बरसात थी कल बहुत ज्यादा, तो जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो उसी हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है, सैनिटाइजेशन की भी तैयारी है, बच्चों का टेम्परेचर भी उसी तरह से ही मापा जाएगा और शौचालयों के बाहर भी साबुन इत्यादि हम लिखवाएंगे ताकि अच्छी तरह बच्चे हाथ धोकर आए। और असेंबली जैसे शुरू होगी तो उसके बाद असेंबली में भी बच्चों को इस विषय में जागरूक किया जाएगा कि आप दूर रहें, मास्क पहन कर आएँ और अन्य सभी एहतियात बरतें जो कि गाइडलाइंस डॉक्टर्स के द्वारा जारी की गई है, और विद्यालय समय समय पर बच्चों को जागरूक करता भी रहता है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस जब थी तब मतलब बहुत, अब जब इतने दिनों बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में इतना समझ नहीं आता था, पर अब टीचर्स को डायरेक्ट उस डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन के साथ टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वहीं बल्लभगढ़ में भी गर्मियों की छुट्टी के बाद आज से स्कूल खुल गए हैं।
वहीं स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो वहीं स्कूल के गेट के बाहर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। पोस्टर पर लिखा गया है कि बिना मास्क के स्कूल आए तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो आज पूरे प्रदेश भर में स्कूल खोल दिए गए हैं। बल्लभगढ़ में खास तौर पर स्कूल के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया गया है, जिस पर लिखा गया है कि अगर बिना मास्क के आप स्कूल आते हैं तो आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब साफ तौर पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है स्कूल के अंदर। और वहीं स्कूल प्रबंधन की तरफ से सारे इंतजाम किए गए हैं। मास्क लगाने को कहा, सैनिटाइजर करने के लिए कहा और डिस्टेंसिंग बनाने रखने के लिए कहा। क्यों क्यों है ये जरूरी ये चीजें? ताकि हम स्वस्थ रहे, बीमारी से बचे, सेफ रहे। वैसे हमारे डबल शिफ्ट में स्कूल चलता है और उसके लिए बच्चे 7 बजे आते हैं, उसके लिए हम गेट पर मास्क लेकर के और सैनिटाइजर लेकर खड़े होते हैं। सारे कमरे नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम वगैरह एकदम ओके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे प्रॉपर मेंटेन रखें डिस्टेंस। तो ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। खबर पुंडरी से है, जहां मॉनसून की पहली बारिश आफत बन गई है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाने वाले रास्ते पर जलभराव होने से यहां के लोग दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। जलभराव होने की वजह से यहां के छात्रों को 2-2 फुट गहरे पानी से निकलकर जाना पड़ा है। स्कूली छात्रा ने बताया कि कई बार तो स्कूल पहुंचने से पहले ही कपड़े और किताबें भी भींग जाती हैं और स्कूली छात्राओं ने मांग की है कि प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई करे। ऐसे है, इसके बारे में हमने जो है नगर पालिका को और अपने जो विधायक हैं रणधीर गोलन जी, उनको हमने पहले भी कई बार जो है सूचना दी थी। और ये सारा पानी पहले स्कूल के अंदर प्रवेश करता था, लेकिन अब जो है स्कूल के अंदर तो प्रवेश नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बच्चों की भी समस्या काफी आ रही है। बच्चों की समस्या ये है कि हमारा दूसरा गेट है हुड्डा का, वो हमने खोल दिया है। अब जो बच्चे यहाँ लोकल रहते हैं, इसमें उनको ज्यादा दिक्कत है। स्कूल के गेट के बाहर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के समय, जब हमें अंदर आने में और बाहर जाने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। हमारी मांग है कि स्कूल के बाहर पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए, ताकि और हमारी पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इससे, बच्चे कम पढ़ रहे हैं। सर, हमारे स्कूल के बाहर सर पानी इकट्ठा होता है, जिसे हमें अंदर आने में और बाहर जाने में सर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से सर हमारे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और यहाँ पर सड़क अच्छे से नहीं बनी है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से सड़क अच्छे से बने। यहाँ से हमें पानी में आने से तकलीफ हो रही है, इससे हमारे बैग और बुकें भी गीली हो जाती हैं। हमें स्कूल कई बार तो हम स्कूल भी नहीं आ पाते, इससे हमारी बहन बेटियों को भी आने में दिक्कत हो रही है सर। और क्या मांग आपकी? तो खबर तो शाम से, जहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत खंड कैरू में स्थित बीडीपीओ कार्यालय में तीसरे चरण का अंत्योदय मेला आयोजित किया गया। वहीं पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने मेले में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही मेले के जोनल अधिकारी और जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर देवीलाल, बीडीपीओ जितेंद्र कुमार, पशुपालन विभाग के एसडीओ डॉक्टर सुनील शर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मेले में पहुंचे और पात्र परिवारों को सरकार की कल्याणकारी और स्वरोजगार शुरू करने से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने कहा कि गरीब लोगों को ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, जहां एक ही स्थान पर सभी विभागों से जुड़ी स्कीम का लाभ मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले सारे हरियाणा में शुरू हैं, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो गरीब को उसकी उसकी आमदनी है अपलिफ्ट करना चाहते हैं। उसी कड़ी में ये तुसाम विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार, तुसाम में भी अब यहाँ कैरू में तीसरा मेला है, इसके लिए सभी यहाँ हमारे सारे अधिकारी भी और इस मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले में एक स्टॉल के नीचे ही लगभग 18-19 डिपार्टमेंट हैं और आज लगभग 300 के करीब पार्टिसिपेंट इन्होंने स्पेशली वीडियो साहब ने तो इनके टीम ने इनको बुला रखा है ताकि उनको बेनिफिट्स।
वहीं प्रदेश को हाईटेक बनाने की कवायद में सरकार ने गुरुग्राम में नंबरदानों को स्मार्टफोन बांटे हैं। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को गुरुग्राम के सेक्टर 46 में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने शिरकत की। साथ ही इस कार्यक्रम में गुरुग्राम के 348 नंबरदार शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री अनूप धानक ने सरकार के इस फैसले को काफी अहम बताते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे और दावे किए थे वे पूरे हो रहे हैं और हरियाणा का एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो सुशासन और ईमानदारी का परिचय देता है। हरियाणा के अंदर जो सरकार, प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री भाई भूषण चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो अनेकों सुविधाएं, चाहे वो लंबरदारों को आज जैसे मोबाइल फोन की सुविधा दी गई है, पीछे हमारे जो लैंड रिकॉर्ड के पटवारी थे उनको भी स्कूटी दे करके, मोटरसाइकिल दे करके, चाहे हमारी जो पंच सरपंच ब्लॉक समिति की जो मेंबर थी उनको स्कूटी दे करके जो सम्मानित किया गया था। तो हरियाणा सरकार अनेकों ऐसे जो इस प्रकार के फैसले हैं वो बहुत बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। आज का जो प्रोग्राम था वो तो हरियाणा के सभी लंबरदारों को स्मार्टफोन देने के बारे में था। इसमें गुड़गांव के लगभग 500 लंबरदार यहाँ पे आए थे। आज और कल दो दिन कैंप लगा करके इन सबको स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। 9000 रुपये के स्मार्टफोन जो है इनको देने की बात हुई है। ये जितने भी रेवेन्यू विभाग के, राजस्व विभाग के गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक है, क्योंकि लंबरदार जो है कई चीज़ों में, राजस्व विभाग की चीज़ों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हरियाणा सरकार की बहुत बढ़िया पॉलिसी है जिसके तहत नंबरदारों को डिजिटल करने की कोशिश की और उसी सिस्टम में जो सरकार ने आज से 13 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री ने जो अनाउंस किया था उसका आज क्रियान्वयन हो रहा है। फोन के लिए ई कूपन मिल रहे हैं, डिजिटल पूरा भारत। कितनी आसानी हो जाएगी? हाँ, काफी आसानी हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई फसल की खराब है उसको सरकार तहसील तक, ऑफिस तक या डीसी ऑफिस तक कोई भेजने में आसान। वही सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है, जिससे प्लास्टिक से होने वाले खतरनाक प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में रेड़ी खोमचे वालों से लेकर सब्जी बेचने वाले दुकानदार और डिपार्टमेंटल स्टोर पर धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दुकानदारों की माने तो ग्राहकों को जागरूक करने के प्रयास नहीं किए गए, जिसके चलते सिंगल यूज प्लास्टिक को मार्केट से हटा पाना काफी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। बहुत बुरा नुकसान हुआ है, आगे पता नहीं क्या चलता है क्या नहीं चलता। अब इनकी पॉलिसी का तो कोई नहीं पता। कितना आपका माल पड़ा हुआ था सारा टोटल? लगभग सारा ही दुकान खाली हो गई। अभी आप क्या कर रहे हैं? सारा घर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, इसका कोई अल्टरनेट निकाला है? भाई लोग कहते हैं कपड़े वाला थैला आ चुका है, या उसको मंजूरी मिली नहीं मिली? कपड़े वाले थैले को मंजूरी नहीं मिली, वो कह रहे हैं उसका भी चलान होगा। उसमें क्या वजह है? वो कह रहे हैं उसमें 75% प्लास्टिक है। यानी अभी तक आपके पास कोई उपाय नहीं है इसका? उपाय क्या है? पेपर का है, पेपर पूरी कहाँ कर सकता है? आप बताओ, जितनी प्रोडक्शन इसमें आती है उसमें प्रोडक्शन 10% भी नहीं आती, तो लाखों करोड़ों आदमी है, कैसे पूरी करेंगे? हमारा तो कोई नहीं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होटल वाली वो डंप हो जाएंगे, वो कैसे चलेंगे? यानी जिनका खाना सप्लाई होता है, जिनके रेस्टोरेंट चलते हैं, 40-50 लेबर रखे, वो कैसे चलेंगे? यानी कुल मिला के एक आदेश पारित कर दिया, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट नहीं? अल्टरनेट ये है जी, इनको व्यापारियों के साथ मिलके ये सोचना चाहिए कि इस व्यापार को कैसे धीरे धीरे ही बंद किया जाए, इकट्ठा बंद ना करके। 14 टीम्स हमने बनाई हैं गुड़गांव में। इसमें जो MCG MCM के अधिकारी हैं, नगर परिषद नगर पालिकाओं के हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, और उनको जिम्मा दिया गया है कि जहाँ पे भी सिंगल यूज प्लास्टिक देखें तो लोगों को सेंसिटाइज भी करें, उनकी चालानिंग भी करें, और डिपेंडिंग अपॉन की कितनी क्वांटिटी प्लास्टिक की वसूल होती है, बरामद होती है, उस आधार पे 500 से लेकर के 25,000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर कोई रिपीटेड ऑफेंसेस करता है तो फिर उसमें जो प्रमाइसेस है उनको सील करने संबंधी और बाकी और भी कठोर कदम ले। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। अब इससे जुड़ी कुछ आपको अहम बातें भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो आपको बता दें कि इन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा है। ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक और प्लास्टिक के झंडे, इन पर बैन लगाया गया है। कैंडी की प्लास्टिक डंडी जो आती है उस पर भी
बैन लगाया गया है। आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी पर भी बैन लगाया गया है और थर्माकोल के सजावटी सामान जो है इन पर भी बैन लगाया गया है क्योंकि इसमें प्लास्टिक की मात्रा ज्यादा होती है। प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे वाले चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी, इन तमाम इन्विटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी, सिगरेट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक और प्लास्टिक के बैनर, पोस्टर, तमाम चीज़ों पर बैन लगाया गया है। जो भी उत्पाद प्लास्टिक से बनते हैं 100 माइक्रोन से पतली पीवीसी और 500 से 2000 रुपए तक का जुर्माना भी जो है रखा गया है और औद्योगिक स्तर पर भी इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, वो प्रावधान लागू होगा। 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 5 साल की जेल या जुर्माना एक साथ दोनों दिए जा सकते हैं। तो प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।